मैं चंचल के चरों से संयोजक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति वाराणसी जी कल बैठक हुई परंतु कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आ सका, इसीलिए कल रात में जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय था उसके तहत ये हमारी जो हड़ताल थी वो जारी थी। आज पूरा मैराथन बैठक जारी है, बैठक चल रहा है, उसमें माननीय ऊर्जा मंत्री जी मौजूद हैं एवं अन्य प्रबंधन के पदाधिकारी, प्रबंधन के लोग भी मौजूद हैं। जैसा निर्णय अभी आता है, क्योंकि अभी हम लोग को ऑफिशियल रूप में कुछ भी जो है केंद्रीय संघर्ष समिति द्वारा अवगत नहीं कराया गया, जैसा भी उनका वार्ता का जो भी अंश सामने आता है निश्चित तौर पर आपके बीच में रखूँगा। देखिए मैं आपको बता दूं, बिजली विद्युत विभाग का एक इतिहास रहा है, संघर्ष समिति का एक इतिहास रहा है, जब भी इसने लड़ाई लड़ी है किसी कार्मिक पे एक खरोच भी नहीं आया है। जो हमारे आदरणीय संयोजक जी हैं शैलेंद्र दुबे साहब 1974 से लड़ाई लड़ रहे हैं और आज तक जितनी भी लड़ाई लड़े हैं, बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन किसी भी कार्मिक के ऊपर कोई आँच नहीं आई है, उन्हें एक खरोच नहीं आया, सफलता मिली नहीं मिली है सब बात का विषय है, लेकिन किसी कर्मचारी, किसी निविदा, किसी भी जो भी संघर्ष समिति में शामिल है उसकी उस पर एक खरोच तक नहीं आई है। इसलिए ये तो निश्चिंत रहें कि जब भी ये आंदोलन वापस होगा, जब भी आज वार्ता हो रही है, जो भी इसका निष्कर्ष निकलेगा उसका पहला बिंदु यही होगा कि किसी भी कर्मचारी का कोई भी उत्पीड़न नहीं होगा एवं किसी कर्मचारी के ऊपर कोई खरोच नहीं आएगा। जितनी भी बिजली सप्लाई है वो भी अब धीरे धीरे बंद हो चुकी है, तो जनता को इससे काफ़ी समस्या हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे जनता से? जी मैं तो बिल्कुल चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिले, ये जो व्यवधान है जिस प्रकार के विद्युत जो बंद है उसे दूर किया जाए, परंतु मेरा तो इस मंच से यही अपील रहेगा कि जल्दी से जल्दी ये विद्युत कर्मी इस हड़ताल से वापस आएँ, माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल प्रभाव से प्रभावी हस्तक्षेप करें, माननीय ऊर्जा मंत्री जी
जो के द्वारा किए गए समझौते का अनुपालन कर लिया जाए, जिससे कि जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिल सके। धीरे धीरे जनता सड़कों पर उतरने लगी। मेरा तो ये बिल्कुल भी, मैं तो ये कभी नहीं कहूँगी जनता इसके लिए सड़क पर आए। हाँ, लेकिन जनता को विद्युत आपूर्ति मिलनी चाहिए, विद्युत आपूर्ति। हम तो बिल्कुल हड़ताल पर आने से पहले निर्बाध विद्युत आपूर्ति देकर आए थे, एवं विद्युत आपूर्ति सारी निर्बाध चल भी रही थी। कहाँ पर कैसे व्यवधान हुआ ये मुझे नहीं पता। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।